आर्यन खान को मिला सुशांत सिंह राजपूत के वकील का सपोर्ट, कहा ड्रग्स नहीं मिला तो वो निर्दोष है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान एक तरफ क्रूज ड्रग्स केस के चंगुल में फंसे हुए हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें शाहरुख के फैंस और तमाम बॉलीवुड सेलेब्स का भारी समर्थन भी मिल रहा है। आर्यन के अरेस्ट होते ही सलमान खान शाहरुख से मिलने उनके घर पहुंच गए थे। बीते दिनों ऋतिक रोशन, सुनील शेट्टी, पूजा भाट, रवीना टंडन, सोमी अली और नीलम कोठारी भी आर्यन को सपोर्ट करते दिखे हैं। और अब इस लिस्ट में सुशांत सिंह राजपूत के वकील विकास सिंह का भी नाम शामिल हो गया है। आर्यन को सपोर्ट करते हुए विकास सिंह ने बड़ा बयान दिया है। विकास सिंह के मुताबिक अगर एनसीबी को आर्यन के पास ड्रग्स नहीं मिला है तो आर्यन ने कोई गुनाह नहीं किया है। अपनी बात रखते हुए विकास सिंह ने कहा है कि पूरा नारकोटिक्स कानून इस पर निर्भर करता है कि आरोपी के पास से क्या बरामद हुआ है। अगर आरोपी के पास से कुछ बरामद नहीं हुआ है तो उसे कस्टडी में रखना कानून का उल्लंघन करना होता है। कानून इसी तरह का बनाया गया है। बता दें कि आर्यन खान पर एनसीबी ने ड्रग्स का सेवन और खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं। हालांकि क्रूज पर रेड के दौरान पुलिस को आर्यन के पास से पैसे मिले थे, लेकिन ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था। आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के जूतों के सोल में से पुलिस ने कम मात्रा में ड्रग्स बरामद किया था, तो वहीं मुनमुन धमीचा सैनिटरी पैड में ड्रग्स को छुपाकर क्रूज पर ले गई थी, लेकिन आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिला। आर्यन पहले ही अपनी सफाई में कह चुके हैं कि उन्हें इस क्रूज पर बतौर वीवीआईपी गेस्ट इनवाइट किया गया था। बॉलीवुड सेलेब्स का एक बड़ा खेमा शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान के समर्थन में एकजुट हो गया है। जिस तरह से आर्यन खान इस पूरे केस की जांच में एनसीबी के साथ सहयोग कर रहे हैं, उसकी भी सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही है। गिरफ्तारी के बाद से ही आर्यन खान एनसीबी मेस का ही खाना खा रहे हैं। वो लगातार पूरी जांच में एनसीबी अधिकारियों का सहयोग कर रहे हैं। हिरासत में लिए जाने के बाद आर्यन को सिर्फ 2 मिनट के लिए ही उनके पिता शाहरुख खान से बात करने का मौका मिला था। पिता से फोन पर बात करते वक्त आर्यन फूट फूट कर रो पड़े थे। वहीं जब शाहरुख और गौरी बेटे से मिलने के लिए एनसीबी दफ्तर पहुंचे थे, तब गौरी आर्यन के लिए बर्गर लेकर गई थीं। लेकिन एनसीबी नियमों की वजह से वो बर्गर आर्यन को नहीं खाने दिया गया। एनसीबी कस्टडी में रहने के दौरान आर्यन ने अपने लिए सिर्फ साइंस की किताबों की ही डिमांड की थी। आज आर्यन की माँ गौरी खान का जन्मदिन है। गौरी के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर शाहरुख की फैन आर्मी गौरी को स्ट्रॉन्ग वुमन बताकर सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में अगर आज जमानत मिलने के बाद आर्यन खान घर वापस आ जाते हैं तो ये गौरी खान के लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा।